आ जाइए नाश्ता करने के लिए। माशाल्लाह मैं बैठी हूँ सूरत, और हमेशा ही जब भी मैं अयूब के साथ में आई तो यहीं रुकी हूँ, और जब अयूब के साथ अमीन हम लोग आते थे तब भी यहीं रुकते थे, आज भी यही। आज तो मैं अचानक में आई हूँ क्योंकि गरीब नवाज सरकार के यहाँ जब मेरे आंसू बहे और मेरे दिल की कुछ तकलीफ़ें कम हुई तो ख्याल आया दिमाग में। आप सबको उरस की छट्टी शरीफ मुबारक हो, और आप सबको पता है कि हम सुबह उतरे 4 बजे और ऑफिस से मेरे काम को रवानगी है, और अब मैं जा रही हूँ छट्टी शरीफ में। इंशाल्लाह वहाँ जाके जो भी होगा जैसे खिदमत आपको करूँगी, और बड़ी उरस की छट्टी आप सबको भी शामिल करूँगी इंशाल्लाह। आप अगर दिल से मानो तो शामिल है, नहीं दिल से मानो तो दूर हो, ऐसी बस सोच की बात है इंशाल्लाह। चलिए मैं निकल रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, और चाहने वालों की तो इतनी भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आने के बाद इंशाल्लाह सारी चीज़ों से फारिग होकर फिर इंशाल्लाह आने के बाद बात करती हूँ। बस चलिए दुआ में आप लोग मेरे शामिल हैं, आपकी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल करना।
और बहुत 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 चाहने वालों की गर्दी थी। और मेरा ये ईयरिंग एक गिर गया था तो ये मिल गया, और एक नोज पिन जो आपको पता है कि मैं बड़ी वाली नोज पिन पहन कर आई हूँ तो वो तो गिर गई है। लोग बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सरकार के यहाँ कुछ गिरे तो मतलब हमें उससे 70 गुना ज़्यादा मिले, और मेरा हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ गिरता है पर मिल ही जाता है। इस बार चला गया तो शायद सरकार ने सोचा होगा कुछ कि बहुत कुछ अता करने वाले थे। इंशाल्लाह मुझे कोई गम नहीं है, मेरे सरकार की चीज़, मेरी सरकार ने दिया, मेरे सरकार की राह में गिरा है। बस दिल से यही ख्वाहिश है कि जिसको भी मिले ज़रूरतमंद को मिले और उनकी ज़रूरत पूरी हो। और जैसे कि मैंने देखा कि सरकार के यहाँ जब भी पैर रखते हैं तो दिल की जो दर्द होता है वो आँखों से झलकता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जो सच में दिल में दर्द होता है वो कभी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती सरकार को, वो आँखों के ज़रिए झलकने चालू हो जाता है। और जैसे कि आपने मुझे देखा कि मेरे आँखों से वो दर्द निकल रहा था, तो मैं मेरे सरकार से कभी नहीं बोली हूँ, बस वो मेरे दिल का हाल वही जानते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मेरे आँखों से दर्द निकला, ये इस वक्त मैं एक फैसला करी हूँ, जब मैं वहाँ जो ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी तो मैं बहुत कश्मकश में थी और मेरा जहन कहीं और था, मेरा नज़र कहीं और थी, तो बस उस जब उससे थोड़ा सा मैं शांत हुई, थोड़ा सा मतलब रिलीव हुई, तो मैंने एक फैसला किया कि मेरी ट्रेन है बॉम्बे की, अजमेर टू बॉम्बे, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं बॉम्बे नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं और उतर रही हूँ, और इंशाल्लाह आपको हो ना मेरे साथ, और आप मेरे हक में दुआ कीजिए और मेरे साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहते हो। तो मैं तो हमेशा इसलिए कनेक्ट रहती हूँ कि मेरा अच्छा हो या बुरा हो आपके नेत्रों के सामने रहे, और आप उसमें से भी आप कोई ना कोई फैसला ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। पालनपुर स्टेशन उतरे, खाना खाए, थोड़ा सा राउंड मारे, और एक ऑफिसर ने आके पूछा ये गोल्ड का, मैंने बोला क्या लगता है, बोले गोल्ड का ही है, टिकटॉक पे बहुत देखा था, बोले अब यूट्यूब पे देखो। चलिए, मैंने आपको कहा था ना कि मैं बॉम्बे नहीं उतरूंगी, हालांकि मेरी टिकट बॉम्बे की है, मैंने आपको बताई थी कि मैं बॉम्बे नहीं उतरूंगी, मैं उतरी सूरत, और सूरत में मैं आई हूँ कुछ काम से, और इंशाल्लाह वो काम और वो चीज़ों को लेके बहुत जल्दी आपके सामने सब चीज़ें आने वाली है। उसी को जो मेरे मैंने कहा ना कि जो मेरा गम आपसे बहा और उस वक्त मैंने कुछ फैसला किया है, तो इंशाल्लाह आगे आपको देखेंगे। मैं बस आई हूँ कुछ काम से, दुआ कीजिए कि वो काम पूरा हो। चलिए फिर आगे देखते हैं। आ जाइए नाश्ता करने के लिए। माशाल्लाह मैं बैठी हूँ सूरत, और हमेशा ही जब भी मैं अयूब के साथ में आई तो यहीं रुकी हूँ, और जब अयूब के साथ अमीन हम लोग आते थे तब भी यहीं रुकते थे, आज भी यही। आज तो मैं अचानक में आई हूँ क्योंकि गरीब नवाज सरकार के यहाँ जब मेरे आंसू बहे और मेरी दिल की कुछ तकलीफ़ें कम हुई तो ख्याल आया दिमाग में, तो बस मैं बोला कि नहीं, ये चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें दिखेगी। और मैं कुछ गलत नीयत से और गलत सोच से नहीं कर रही हूँ, बस एक आप देख रहे हो कि एक अकेली औरत बस दुनिया में खड़ी हूँ अपने हक के लिए और अपने रुतबे के लिए और अपने इज्जत के लिए, तो बस उसी के लिए कोशिश करे जा रही हूँ। और सच्चाई की कभी हार नहीं होती, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, तो सच्चाई की तरफ एक और कदम है मेरा, तो इंशाल्लाह अगर कभी लगा मुझे और कभी ऐसी बात आई इंशाल्लाह आपके साथ ये भी बातें ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये मेरे हक में ज़रूर दुआ कीजिए कि मैं यहाँ जो आई हूँ सोच कर, अल्लाह वो कामयाब करे और जो सच है वही आपके सामने आए और ना कि झूठ, और जिनके लिए मैं बोलती हूँ अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। और आज तो मैं ये शहर उन्हीं की पहचान है, ये उन्हीं की देन है मेरी ज़िंदगी में, तो आज उन्हीं के शहर और उन्हीं की पहचान में आई हूँ। बस अल्लाह गैब से मदद दे, गरीब नवाज तो देते ही हैं, और निकाह भी मैंने आपको पता यहीं पे ख्वाजा दाना में की हूँ, कोशिश करूँगी कि बस वहीं जाके पहले सलामी भरूँ फिर दूसरा काम शुरू करूँ। और आपको पता है कि इंस्टाग्राम के शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए मैं हर अपडेट आपको देते रहती हूँ। बस दुआ कीजिए कि मैं यहाँ आई हूँ, मेरा बच्चा
आपको एक बात बताऊं फिर से दिल की, मैंने जब सूरत उतरने का फैसला की और मैंने मेरे बच्चे को ये बोला कि मैं सूरत उतर रही हूँ, आप यकीन कीजिए कि मेरे बच्चे ने उफ नहीं किया कि क्यों, क्या काम है, ऐसे भी नहीं पूछा। उन्होंने बोला ठीक है मम्मी। और ये बात की बहुत सारे लोग गवाह है कि मेरे साथ में जो थे सबको पता था कि हम बॉम्बे जा रहे हैं, सडनली मैंने फैसला की, सब लोग चौंक गए, सूरत उतर रहे आपा, क्यों क्या हुआ, बोली बस ऐसी। पर मेरे बच्चे ने एक लफ्ज़ ही पूछा कि क्यों मम्मी, वो बस मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चल पड़े। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे और ऐसे ही माँ बाप की ज़िंदगी में ऐसे बच्चों का साया बना रहे। मेरे आँख से फिर आंसू गिरेंगे, फिर लोग बोलेंगे कि वो रोते रहती है, सच में मैं रोते रहती हूँ अकेले में, लेकिन ये रोना मैं सिर्फ मेरे अल्लाह के सामने रोती हूँ, कभी कभी आप लोगों के सामने झलक जाता है तो उसके लिए दिल से माफ़ी। चलिए मैं अब नाश्ता करके अच्छे काम के लिए शुरुआत करूँगी, मेरे हक में दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।